महंत जी कोई हमारे डेरे पर आया है और उसने हमारे मठ की मर्यादा मिट्टी में मिला दी है। उसने हमारे प्रसादा बनाने वाले चूल्हे पर बकरा पकाया है और अपने आप वो आपके पलंग पर बैठ गया है। जिसने इतनी हिम्मत की है उसे तो बाबा जी सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसको वहीं पर बैठे बैठे पलंग से धरती पर गिरा कर मारो, फिर जाकर उससे पूछना। जाकर पूछो नहीं, उसे तो मैं अपनी शक्तियों से यहीं पर बुलाऊंगा, अभी इसी वक्त तुम सबके सामने। माधोदास अंधकार के अंधेरे में से निकलकर सच्चाई की रोशनी में जा। तुमने कुछ सुना? नहीं महंत जी, आपने तो कुछ नहीं कहा। माधोदास, परमात्मा की आवाज सिर्फ आत्मा ही सुन सकती है और आत्मा की आवाज सिर्फ परमात्मा। केवल मंत्र के साथ दुनिया में शांति नहीं मिलती, मन को एक जगह टिकाकर रखना भी जरूरी है। आज पहली बार तेरे सारे मंत्र जाप काम नहीं आए। मेरे डेरे में पहुंचने वाला कोई आम इंसान नहीं है। काफी नाराज लगता है हमसे। क्यों, तू यही सोच रहा है ना कि इन्होंने तेरे डेरे की पवित्रता भंग कर दी? माफ करना महाराज, मेरे पवित्र स्थान पर निर्दोष जीवों की हत्या हुई है। उनके खून से यहाँ की मिट्टी लाल है। अब मैं यहाँ पर ध्यान नहीं लगा सकता। गुरु साहिब जी बोले, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाहर तो मुगल निर्दोष इंसानों को बकरी की तरह हलाल कर रहे हैं, ऐसा कौन सा मंत्र है जो सरेआम हो रहे अत्याचार पर तेरा ध्यान नहीं जाने देता? रजौरी का रहने वाला है तू, तभी सतलुज, रावी, ब्यास, जमुना, गंगा, नर्मदा नदियां पार करके गोदावरी के पास अपना डेरा डाला है। मेरी मान, एक बार फिर अपना सफर शुरू कर। रास्ते में तुझे गरीब मेहनत करने वाले किसान रोते हुए मिलेंगे। उनसे पूछना कि उनकी मुस्कुराहट के पीछे बैठा परमात्मा तेरी राह देख रहा है। अंतर्यामी, आप कौन है? गुरु साहिब ने कहा, वही जिसे तू जानता है। ऐसे नहीं माधो, मन की आंखों को खोल। आप तो साक्षात गुरु गोविंद सिंह जी हो। हाँ माधोदास, जैसे ही गुरु साहिब को महंत जेताराम से तुम्हारे बारे में पता चला, वह सीधे तेरे डेरे चले आए। मेरे अहोभाग। गुरु साहिब ने कहा, अपने भागों को और जगा। तुम कर्मवीर हो, जिस कर्म के लिए तू इस धरती पर आया है उसकी कमान संभाल। तेरा स्वभाव तो शिकारियों वाला है। जालिमों के सताए हुए वो लोग उतने ही मासूम और बेकसूर हैं जितने तेरे तीर से मरे वो हिरणी के दो बच्चे, जिन्होंने पैदा होने से पहले ही तेरे सामने दम तोड़ दिया, जिनको तू तड़प तड़प के मरता हुआ नहीं देख पाया और तूने शिकार करना बंद कर दिया। पहले तूने तीर तोड़े थे और फिर कमान भी फेंक दी। उस पीड़ा की तड़प ने तुझे लक्ष्मण देव से माधोदास बना दिया। अंतर्यामी, मैं। गुरु साहेब बोले, हाँ हाँ, तू कौन?
जी मैं आपका बंदा। वो कौन पापी हैं जिन्होंने बेकसूर लोगों का खून बहा दिया? कैसे सजा देगा उन लोगों को? तंत्र मंत्र से उनका मंजा पलटकर? तंत्र मंत्र वाले माधोदास की मौत तो आपके दर्शन पाकर ही हो गई थी बाजा वाले साईयां। अब आपके सामने आपका बंदा है। अब आप अपने इस बंदे को ऐसा सिंह बनाओ जिसकी तलवार किसी बेगुनाह पर उठे ना और किसी पापी को बख्शे ना। गुरु साहेब बोले, तुझको बस बंदा ऐसा बहादुर सिपाही बनाएंगे जो इंसानियत के दुश्मनों को लोहे के चने चबा देगा। तुझे हम गरीबों और मजबूर लोगों का सहायक खालसा बनाएंगे। इस प्रकार माधोदास बंदा सिंह बहादुर बन गए, गुरु के सिख बन गए। गुरु भटके हुए लोगों को सही राह दिखाने के लिए सही स्थान, सही वक्त और सही माध्यम चुनते हैं। यहाँ पर भी गुरु साहिब ने माधोदास के डेरे पर मांस पकवाकर उसकी सोई अंतरात्मा को जगाया। गुरुजी ने उसे बताया कि किस प्रकार मुगल इंसानों को बकरे की तरह हलाल कर रहे हैं और तुम अपने ही अभिमान में जी रहे हो। बहुत से लोग कहेंगे कि गुरु साहिब ने मांस क्यों बनवाया या ऐसा क्यों दिखाया गया, परंतु अपने गुरु की बातों पर कभी किंतु परंतु नहीं लगाना चाहिए। जो गुरु का सिख है वह कभी अपने गुरु के निर्णयों पर किंतु परंतु नहीं लगाता। सतनाम श्री वाहे गुरु। अब आप इस कुर्बानी को शेयर कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन ओपन करें, जो कुर्बानी आप शेयर करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और क्रिएट कार्ड का बटन दबाएं और सभी के साथ कुर्बानी शेयर करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। सतनाम श्री वाहे गुरु।